फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एवरग्रीन बुटीक। होप यू ऑल आर फाइन। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ कैटलॉग और नॉन कैटलॉग सूट्स। कैटलॉग में आ जाएंगे पाकिस्तानी ओरिजिनल की इंडियन रेप्लिका, और नॉन कैटलॉग में दो सेट हैं। प्योर स्टफ के ऊपर है, एक सिल्क के ऊपर है और एक प्योर शिफॉन पे। अभी मैं आपको सब वन बाय वन दिखाने वाली हूँ। प्राइस आपको सूट के साथ स्क्रीन पर ही मेंशन रहेगा। फ्री शिपिंग रहेगी ऑल ओवर इंडिया। एक सूट भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, और इंडिया में कोई भी एरिया है, विलेज एरिया है, वहाँ भी हम लोग कुरियर कर देते हैं स्पीड पोस्ट से, तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाना शुरू करती हूँ। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ऑल पे जाके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं पहले आपको ये इंडियन वाले नॉन कैटलॉग वाले जो दो सेट्स हैं वो दिखा देती हूँ, क्योंकि वो एक ही डिज़ाइन में तीन तीन कलर है, तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा आप लोगों को बताना। बाकी सारे पार्टी वियर ये वाले कैटलॉग वाले ये सिंगल सिंगल हैं। ये देखें, ये सिल्क स्टफ के ऊपर तीन शेड है इस तरह। ये पूरे शर्ट के फ्रंट साइड पे ऐसे थ्रेड के साथ सीक्वेंस है, और ये बनारसी बॉर्डर है, फिरोजी कलर है, पीच कलर है और येलो कलर है इसमें, और जॉर्जेट में दुपट्टा है जिसपे थ्रेड वर्क हुआ हुआ है। ये देखें, ये डिजिटल प्रिंट दुपट्टा है जिसपे पूरा इस तरह से रेशम के साथ ऐसे ये सीक्वेंस वर्क है। अगर आपको थोड़ा सा, मैं कोशिश कर रही हूँ वैसे करीब से दिखाने की, इस तरह से ये उपाड़ा सिल्क है, उसके फ्रंट साइड के ऊपर पूरा ये थ्रेड वर्क हुआ हुआ है, नेकलाइन के ऊपर ये बनारसी पैच है, फाइन क्वालिटी सिल्क स्टफ है, बहुत अच्छा फॉल है। ये देखिए बनारसी पैच लगा है दामन में बॉर्डर। सेम शेड में प्योर शीन टून में फाइन क्वालिटी वाला ये स्टफ है बॉटम का, और ये जॉर्जेट में दुपट्टा है जिसके फोर साइड इस तरह पाइपिंग हुई हुई है, और ये दुपट्टे पे रेशम के साथ सीक्वेंस वर्क है। तो ये दुपट्टा हो गया इसका। इसी के अब मैं आपको कलर दिखा रही हूँ। ये देखिए इसका फ्रंट साइड लेंथ विड्थ फुल है, फ्री साइज है, ये किसी भी साइज में इजीली स्टिच्ड हो जाएगा। ये इसका बॉटम और ये दुपट्टा है। ये इसके दुपट्टे का डिजाइन, तो अब इसका मैं आपको लास्ट शेड दिखाती हूँ, येलो कलर। ये येलो शेड है, डिजाइन बिल्कुल सेम है, कलर चेंज हो रहा है, और ये फ्री साइज है तो इसमें मेजरमेंट बताने की जरूरत नहीं है। अनस्टिच्ड पैटर्न है, डिजाइन मैंने आपको बता दिया। फ्रंट साइड के ऊपर ये रेशम के साथ सीक्वेंस है, फिर ये नेकलाइन पे बनारसी पैच है पाइपिंग के साथ, और ये दामन के ऊपर भी जो ये बॉर्डर आ रहा है तो ये पाइपिंग के साथ अटैच्ड है। हाइट आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा तो खैर फुल है, काफ़ी लेंथ है, शॉर्ट ही कर सकते हैं। और ये इसका बॉटम और ये दुपट्टा आ गया है शिफॉन में इस तरह से। ये दुपट्टे का डिज़ाइन है, ये इसके दुपट्टे का डिज़ाइन आ गया। तो ये येलो कलर हो गया है। अब ये पेपलम ड्रेस है, फ्रॉक वाली जो आजकल चल रही शरारे के साथ, ये वो ड्रेस है। ये लेमन कलर है, गोल्डन कह सकते हैं, लेमन तो नहीं, ये गोल्डन शेड है, क्रीम शेड जो आता है ये वो वाला कलर है। एक लाइट पिंक शेड है और एक ये पेस्टल ब्लू कलर है। इसका साइज मैं आपको बता दूंगी, फुल स्टिच्ड है, प्योर शीन टून की लाइनिंग के साथ स्टिच्ड है ये। देखिए इसके नेक लाइन जो है, ये गला जो बना हुआ है ये ऐसे ही आता है, ये बैक साइड से यहाँ से ऐसे ओपन होके फिर यहाँ लूप बटन लगता है,
तो फिर ये गला बड़ा हो जाता है। सारे पेपलम ड्रेसेस में ज़्यादातर में बोट शेप नेक आता है और बैक साइड से ये देखिए बना हुआ नहीं है, साफ समझ आ रहा है कि नहीं बना है, फ्रंट साइड से पाइपिंग करके बना है। तो ये भी बैक साइड से भी बनेगा, या तो आप इस तरह राउंड कर सकते हैं या यहाँ से ओपन करा के यहाँ बटन लग जाता है, ऐसे इसके गले बनते हैं। तो प्लीज़ ये ना कहिएगा इस छोटा गला है हमारे नहीं आ रहा, क्योंकि ये अभी रेडी नहीं है, ये आपको करवाना होगा। इसका मैं मेजरमेंट बता दे रही हूँ, ये गल नेक लाइन हुआ, स्लीव्स का मेजरमेंट कम ज़्यादा रहता है, वो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कराना पड़ता है। इसका साइज अभी रेडी में आ रहा है 42, और अंदर देखिए काफ़ी मार्जिन है, अच्छा खासा मार्जिन है। तो ये आई थिंक 44-45 तक इजीली हो जाएगा, अभी रेडी ये 42 है। और इस तरह से इसकी स्लीव्स है, प्योर चिनॉन है ये स्टफ, और ये यहाँ से ऐसे फ्रॉक पैटर्न में है। ये सब बूटी आ रही है, एम्ब्रॉयडरी है, और ये बॉर्डर है, ये भी एम्ब्रॉयडर्ड है। अब मैं आपको इसका बैक साइड दिखा देती हूँ, ये देखिए ये बैक साइड के ऊपर वर्क आ रहा है, ये सब वर्क बैक साइड के ऊपर है। स्लीव्स भी कुछ लॉन्ग लग रही है, ये आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से शॉर्ट करा सकते हैं, और नेकलाइन तो कराना ही रहेगा, अगर किसी को लूज कराना है तो आप लूज करा लीजिएगा। ये इसका शरारा है नीचे, देखें वर्क चेक कर लें, ये 38 लेंथ है, ये 38 लेंथ है। अगर किसी को लॉन्ग करना है तो देखें यहाँ पे मार्जिन दिया हुआ है, तो इसे ओपन करके आप स्टफ करके 40-41 तक हो जाएगा। पूरा मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता है कैसे करना है, और वो कि हमें ये सूट आ नहीं रहा है, ये सब एक्सक्यूज़ होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये फुल स्टिच्ड है। ये इसका दुपट्टा, फोर साइड बॉर्डर आ रहा है, प्योर चिनॉन में ही दुपट्टा है, फुल स्टफ ही प्योर है, बहुत अच्छा स्टफ है। वर्क मैंने आपको चेक करा दिया, सभी का यही मेजरमेंट रहेगा। अब मैं आपको इसके कलर दिखा देती हूँ, ये पेस्टल ब्लू शेड है, ये देखें ये फ्रंट साइड का वर्क, ये बैक साइड आ गया, ये इसका नेक लाइन, और ये स्लीव्स है इस तरह, ये दुपट्टा आ गया प्योर चिनॉन में, फोर साइड बॉर्डर है इसके, इस तरह से एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर आ रहा है, और ये इसका स्टेज्ड में बॉटम है, सभी में लाइनिंग लगी है प्योर शिनटून की। तो ये शेड भी अभी मैं साइड कर रही हूँ, ये थर्ड शेड आ गया इसका, पेस्टल पिंक शेड है ये फ्रंट साइड है, इस तरह फुल वर्क आ रहा है, ये इसकी स्लीव्स हो गई, ये ऐसे स्लीव्स है, ये इसके बैक साइड का वर्क आ गया, ये प्योर में दुपट्टा सेम शेड में, ऑल ओवर पीसेस हैं ये सारे। तो यहाँ मैंने आपको नॉन कैटलॉग वाले ये दो सेट दिखा दिए, स्टफ भी बता दिया है। अभी मैं इसे साइड कर रही हूँ, और आपको ये पाकिस्तानी सूट्स की इंडियन रेप्लिका वाले सूट्स दिखाना शुरू करती हूँ। ये देखें सबसे पहले ये मरून कलर का सूट है, ज़ाहा ब्रांड की तरफ से है, शिफॉन में दुपट्टा है, और ये जॉर्जेट में शर्ट है, इनर बॉटम सेमी शिनटून आता है, ये इसके इनर बॉटम का स्टफ हो गया, जॉर्जेट के ऊपर ये फुल रेशम वर्क है, और सेम ही कलर का सीक्वेंस है, और ये मोती लगे हैं, पर्ल लगे हुए हैं गोल्डन कलर के, इस तरह से वर्क आ रहा है। और देखें साइज काफी फ्री साइज है,
इस तरह से वर्क है इसके ऊपर। यॉर्केंजा का पैच है दामन में, कट वर्क हुआ हुआ है। और ये स्लीव्स आ गई। अब आप इसका दुपट्टा चेक कर लें, शिफॉन में दुपट्टा है, टू साइड लेंथ वाइज ऐसे बॉर्डर आ रहा है, साटन का रिबन लगा हुआ है। तो ये दुपट्टा हो गया शिफॉन में, जॉर्जेट में शर्ट हो गई है। तो अभी से मैं साइड कर रही हूँ। अभी देखिए ग्रे कलर का सूट है ये, कुछ ये इस तरह का है। ये इनर और बॉटम का स्टफ है, नेट में इसकी शॉर्ट है, नेट में ही दुपट्टा है, फुल रेशम वर्क हो रहा है। ये सब इसके ऊपर वर्क आ रहा है। ये यहां से श्रग ओपन पैटर्न है, देखें इस तरह। ये इस तरह से ये श्रग ओपन पैटर्न है, बैक साइड प्लेन है। ये इसके स्लीव्स का वर्क आ गया। और ये नेट में दुपट्टा है, वन साइड लेंथ वाइज बॉर्डर आ रहा है, फोर साइड पाइपिंग हुई है, वन साइड बॉर्डर आ रहा है, और बाकी दुपट्टे पे आपको बूटी मिल जाएगी ये इस तरह से। तो ये दुपट्टा हो गया, ग्रे कलर का सूट है ये, और ग्रे कलर का ही रेशम वर्क हुआ हुआ है। अब ये देखें पिस्ता ग्रीन कलर का सूट है ये, जॉर्जेट स्टफ में शर्ट है, और शिफॉन में इसका दुपट्टा है। ये इसके इनर बॉटम का स्टफ आ गया, पिस्ता ग्रीन कलर है। ये भी सब रेशम वर्क ही हो रहा है। देखिए शर्ट की ये फ्रंट साइड के ऊपर फुल रेशम वर्क है इस तरह। दामन में ये ऑर्गेंजा का पैच है, स्लीव्स पे इस तरह एम्ब्रॉयडरी आ जाएगी। और ये इसका दुपट्टा है शिफॉन में, वन साइड लेंथ वाइज ऐसे बॉर्डर आ रहा है, नहीं टू साइड है ये बॉर्डर, सॉरी, देखिए दोनों तरफ आ रहा है लेंथ वाइज, बीच में बूटी आ रही है। शिफॉन में दुपट्टा मिल रहा है, और ये इसका कैटलॉग पिक है। अभी देखें ब्राउन कलर में सूट है, जैसे कॉफी कलर होता है ये उस तरह का सूट है। इस पे भी सब रेशम वर्क हो रहा है, और सीक्वेंस से, और ये कुछ मोती लगे हैं उसे हाईलाइट हुआ हुआ है। सेमी शैंटून इसका इनर बॉटम का स्टफ है, शर्ट का स्टफ जॉर्जेट है। देखिए सब फ्रंट साइड के ऊपर वर्क हो रहा है ये इस तरह। इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, तो ये आप बॉर्डर यहाँ कर सकते हैं, तो कुछ डिज़ाइन इस तरह से हो जाएगा। फिर भी काफ़ी अच्छी लेंथ है ये बॉर्डर ऊपर करने के बाद भी। ये इसकी स्लीव्स का डिज़ाइन है ये इस तरह से। ये मैंने आपको इसका फ्रंट दिखा दिया, स्लीव्स दिखा दी। अब आप दुपट्टा चेक कर लें, शिफॉन में दुपट्टा है, इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हो रही है दुपट्टे के ऊपर। वन साइड ये ब्रॉड बॉर्डर है, बीच में बूटी है, फिर दूसरी तरफ इस तरह का बॉर्डर आ रहा है।
तो ये दुपट्टे का डिजाइन हो गया और ये इसका कैटलॉग पिक है। और अब ये देखें, पेस्टल सी ग्रीन सा कलर है ये। इनर बॉटम सेमी शिनटून है, शोर जॉर्जेट स्टफ के ऊपर है। ये जरी से एम्ब्रॉयडरी हो रही है इसके ऊपर, ये इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हो रही है। इसकी विड्थ काफ़ी अच्छी है, ये आप इस तरह से अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करवा सकते हैं टेलर से, आपको ऐसे करना होगा क्योंकि विड्थ काफ़ी हो रही है, फ्री साइज हो रहा है ये, तो अगर किसी के लूज रहता है तो वो इस तरह एडजस्ट कराएं। ये यहाँ से ऐसे होगा और फिर ये दामन, तो ये पैच लगा है, ये आप अपने अकॉर्डिंग फिर हटवा के दोबारा लगवा सकते हैं। ये सब जरी से एम्ब्रॉयडरी है। ये इसकी स्लीव्स आ गए, ये पैच है इसमें, ये ट्राउजर के लिए पैच दिया हुआ है और सिल्क में ये बंधेज में दुपट्टा है, ये कैरेट पिंक कलर दुपट्टा है, लाइट डार्क थोड़ा शेड है इसका, ये इस तरह दुपट्टा आ रहा है। यहाँ ये इसका कैटलॉग पिक है, ये देखें इस तरह का सूट है ये, ब्लैक और पिंक शेड में। ब्लैक कलर का इसमें इनर बॉटम आ रहा है शिनटून में। रेशम के साथ सीक्वेंस वर्क है, ये शर्ट के फ्रंट साइड के ऊपर सब वर्क हो रहा है इस तरह। ये इसकी स्लीव्स आ गए, ये बॉटम के लिए पैच है और ये दुपट्टा इसका हॉट पिंक कलर है ये, और कैंजा का पैच है ये पल्लू के ऊपर, लेंथ वाइज टू साइड ये बॉर्डर आ रहा है। तो ये दुपट्टा हो गया, ये कैटलॉग पिक हो गया, एक ये ब्लैक सूट है, इसी का एक ही क्रीम कलर में सूट है, व्हाइट कलर है। मैं दोनों आपको एक एक करके दिखा रही हूँ। डिजाइन सेम रहेगा, जॉर्जेट स्टफ के ऊपर शर्ट है, फुल रेशम वर्क हो रहा है, ये देखिए फ्रंट साइड के ऊपर सब ये एम्ब्रॉयडरी आ रही है, ये सब दामन के ऊपर भी सब रेशम वर्क है और कैंजा का पैच अटैच्ड है यहाँ पे। ये स्लीव्स के ऊपर वर्क आ गया, ये इसके ट्राउजर के लिए पैच और ये शिफॉन में दुपट्टा है जिसपे टू साइड लेंथ वाइज बॉर्डर है और फोर साइड पाइपिंग हुई भी है। तो ये इसका दुपट्टा आ गया है, ब्लैक कलर है ये। इसी का मैं आपको ये क्रीम शेड दिखा रही हूँ। देखिए ये क्रीम कलर है, ये इसकी स्लीव्स आ गई, ये पैच आ गया,
और ये शिफॉन में दुपट्टा। तो अभी मैं इसे भी साइड कर रही हूँ। ये रेप्लिका वाले सारे सूट 4 पीस हैं, इनर बॉटम का स्टफ, शर्ट और दुपट्टा। ये भी जॉर्जेट स्टफ है, मरून कलर है ये सूट का। रेशम और जरी के साथ एम्ब्रॉयडरी हो रही है। ये मैं आपको फ्रंट साइड दिखा रही हूँ, बैक साइड ज्यादातर में प्लेन ही है। ये इसकी स्लीव्स आ गई और ये शिफॉन में दुपट्टा है। इस तरह से कटवर्क में बॉर्डर बना हुआ है दुपट्टे के ऊपर। और ये इसका कैटलॉग पिक। अब ये ग्रब्स ग्रीन कलर है। ये देखिए, ये रेशम और जरी के साथ सब एम्ब्रॉयडरी हो रही है इसके ऊपर। ये ऐसे फ्रंट साइड हो गया है, काफी अच्छी विड्थ है। ये स्लीव्स का वर्क आ गया। सभी पे रेशम और जरी से मिक्स करके सारा वर्क हुआ हुआ है। और ये शिफॉन में दुपट्टा है इसका। वन साइड बॉर्डर आ रहा है, बीच में बूटी आ रही है। तो ये इसका दुपट्टा हो गया। अभी मैं इसे भी साइड कर रही हूँ। अब ये गोल्डन कलर में सूट है। ये इसका इनर बॉटम का स्टफ, जॉर्जेट में शर्ट है। ये देखिए, ये शर्ट का डिजाइन आ रहा है। ये मैं आपको फ्रंट साइड दिखा रही हूँ। फुल रेशम वर्क है और कैंजा का पैच है दामन में। ये इसकी स्लीव्स आ गई। ये ट्राउजर के लिए पैच है और शिफॉन में दुपट्टा है। टू साइड लेंथ वाइज कटवर्क बॉर्डर। तो ये गोल्डन कलर में सूट था, जॉर्जेट में शर्ट है, शिफॉन दुपट्टा। ज्यादातर सूट्स में शिफॉन दुपट्टा है। तो ये इस वीडियो का लास्ट सूट था। अभी जिसे भी ऑर्डर करना है जल्दी से स्क्रीनशॉट्स लें और व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दें। प्राइस आपको स्क्रीन पर मेंशन रहेगा, फ्री शिपिंग रहेगी। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।